तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फंक्शन को जाना था, जिसमें डोमेन और कोडोमेन के एलिमेंट के बीच कनेक्शन के आधार पर। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ उसको देख लेते हैं। साइनम फंक्शन यानी चिन्ह फलन, कोई फंक्शन साइनम फंक्शन कब होता है? तो ध्यान दीजिए, साइनम फंक्शन जो है एक तरह का कंडीशनल फंक्शन है। इसको y या एफ ऑफ एक्स sign ऑफ एक्स से डिनोट किया जाता है। ये तीन टाइप के वैल्यू आउटपुट के रूप में हमें देता है। एक प्लस वन, हमेशा प्लस वन देगा जब x का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा। फंक्शन का वैल्यू जीरो आउटपुट में आएगा जब x का वैल्यू जीरो होगा, और फंक्शन का वैल्यू माइनस वन आउटपुट में होगा जब x का वैल्यू लेस देन जीरो होगा। सीधा सा हम यू बोल ले कि x यदि पॉजिटिव हो इनपुट, तो आउटपुट हमें प्लस वन मिलेगा। यदि x का वैल्यू यानी इनपुट नेगेटिव हो, तो आउटपुट हमें माइनस वन मिलेगा, और यदि इनपुट जीरो हो तो आउटपुट में हमें जीरो प्राप्त होगा। इस तरह से ये आउटपुट के रूप में तीन वैल्यू देता है। सच एज यदि हम लोग f ऑफ वन लिखते हैं, अब f ऑफ वन जो है ये पॉजिटिव वैल्यू है, जीरो से बड़ा, ये कंडीशन, तो आउटपुट के रूप में हमें प्लस एक प्राप्त होगा। f ऑफ माइनस वन लिखते हैं तो माइनस वन यानी जीरो से छोटा, जीरो से छोटा के लिए नेगेटिव वैल्यू के लिए माइनस वन देगा। यदि हम f ऑफ टू रखते हैं तो f ऑफ टू इज इक्वल टू वन आएगा, क्योंकि ये जो है जीरो से बड़ा का कंडीशन है। जीरो से बड़ा जो भी x का मान हो उसके लिए फंक्शन प्लस वन वैल्यू देता है। उसी प्रकार f ऑफ थ्री लिखेंगे तो f ऑफ थ्री क्या होगा, मतलब जीरो से बड़ा का कंडीशन आएगा, जीरो से बड़ा के लिए हमेशा आउटपुट प्लस वन देता है यानी वन हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग और भी कई वैल्यू को ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कि यदि हम लोग इनपुट के रूप में f ऑफ फाइव रखें, तो f ऑफ फाइव ये जो है इनपुट x के बदले पाँच रखा हुआ है, और x का वैल्यू जब जीरो से बड़ा हो तो आउटपुट हमें वन मिलता है यानी वन आ जाएगा। f ऑफ सिक्स के लिए भी वन होगा, f ऑफ सेवन के लिए भी वन होगा, मतलब जो भी जीरो से बड़ा वैल्यू इनपुट रखेंगे आउटपुट के रूप में हमें प्लस वन मिलेगा। उसी प्रकार यदि f ऑफ जीरो रखते हैं तो हमें जीरो ही प्राप्त होगा। f ऑफ माइनस टू रखते हैं, माइनस टू यानी x का वैल्यू जीरो से छोटा, और जब x इनपुट का वैल्यू लेस देन जीरो हो तो हमेशा माइनस वन वैल्यू होता है यानी इसका मान माइनस वन हो जाएगा। इसी तरह का जो भी वैल्यू जीरो से बड़ा होगा इनपुट, तो आउटपुट हमें वन मिलेगा। जीरो से छोटा होगा इनपुट, तो आउटपुट में हमें माइनस वन मिलेगा, और यदि जीरो होगा इनपुट, तो आउटपुट में हमें जीरो ही प्राप्त होगा। इस तरह से ऐसे फंक्शन को जो इस ये तीन वैल्यू ऑपरेट करे और इस कंडीशन के साथ, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहेंगे साइनम फंक्शन। अब साइनम फंक्शन के ग्राफ को देखते हैं, साइनम फंक्शन का ग्राफ क्या होगा। जब हम बात करें ग्राफ की, तो हम लोग कुछ वैल्यू रखे थे उसी के आधार पर ग्राफ स्केच करेंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जीरो है, इधर एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा, इधर एक्स का वैल्यू नेगेटिव होगा, फिर ऊपर में वाई का वैल्यू पॉजिटिव होगा, नीचे वाई का वैल्यू नेगेटिव होगा। सपोज दैट एक्स का वैल्यू जीरो, तो एक्स जीरो तो वाई भी जीरो यानी ओरिजिन पर होगा, ये हो जाएगा। एक्स का वैल्यू वन, एक्स का वैल्यू वन तो वाई का वैल्यू वन यहाँ आएगा। एक्स का वैल्यू टू और एक्स पॉजिटिव है, इनपुट पॉजिटिव, तो आउटपुट हमेशा एक ही मिलेगा। एक्स का वैल्यू थ्री तो आउटपुट हमेशा एक ही मिलेगा। एक्स का वैल्यू फोर आउटपुट हमेशा एक ही मिलेगा। इस तरह से इसके ग्राफ की बात करें तो जीरो से बड़ा जो भी वैल्यू होगा, जीरो से बड़ा के लिए हमेशा, यदि हम 0.5 भी रखते हैं, 0.5 के लिए हमेशा आउटपुट एक मिलेगा। 0.1 भी रखते हैं तो आउटपुट हमेशा एक, लेकिन जीरो रखेंगे तो आउटपुट हमें जीरो, यानी जीरो को छोड़ते हुए इसका ग्राफ जो होगा इस तरफ जाएगा। उसी प्रकार आप बात करें नेगेटिव वैल्यू के लिए, इनपुट में यदि हम -0.5 रखते हैं तो आउटपुट हमें -1 मिलता है। इनपुट में यदि -1 लिखते हैं तो आउटपुट हमें -1 मिलता है। इनपुट यदि -2 रखते हैं तो आउटपुट हमें -1 मिलता है, क्योंकि सभी नेगेटिव इनपुट के लिए x जीरो से छोटा के लिए आउटपुट हमेशा -1, तो -1। तो इस तरह से इसका ग्राफ जो होगा -1 को छोड़ते हुए इस तरह से इधर हो जाएगा। तो यदि हम फ्रेश ग्राफ की बात करें
तो इनपुट यदि हम रखते हैं तो हमें आउटपुट जो मिल रहा है वो आउटपुट तीन ही है, एक जीरो है, एक वन है और एक जो है माइनस वन है। तो इस तरह से इसका जो ग्राफ होगा तो इसका ग्राफ क्या होगा, एक्स जीरो के लिए वाई जीरो ये हो जाएगा, डिप कर देंगे यहाँ पर हम लोग। फिर पॉजिटिव वैल्यू के लिए वन से बड़ा वैल्यू आएगा, वन आएगा हमेशा, वन इधर रहेगा। फिर नेगेटिव वैल्यू के लिए जीरो को छोड़ते हुए माइनस वन आएगा, तो इसका ग्राफ इधर हो जाएगा। यानी इसका ग्राफ जो प्राप्त हो रहा है ये लाइन ऐसे, इधर से ये लाइन ऐसे और ये पॉइंट, तो ये जो है यहाँ पर ये ब्लैंक्स रहेगा क्योंकि यहाँ पर यदि जीरो हो जाएगा लेकिन जीरो से छोटा वैल्यू, ये जीरो से बड़ा वैल्यू ऑपरेट करता है, तो यहाँ ये ब्लैंक्स रहेगा और ये जो है जीरो के लिए जीरो, ये तीन जो है यहाँ पर अलग अलग लाइन प्राप्त हो रहा है। यानी ये डिसकन्टिन्यूस फंक्शन के एग्जाम्पल में ये आएगा क्योंकि ये ग्राफ जो है टूटा हुआ है, ब्रेक है अलग अलग जगह से, इसको हम डिसकन्टिन्यूस फंक्शन भी कह सकते हैं। तो ये हुआ साइनम फंक्शन का ग्राफ। तो इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने विभिन्न टाइप के फंक्शन को चेक किया था कि वह वन वन है या मेनी वन है या ऑन टू है या इन टू है। उसी टाइप का प्रॉब्लम आपको एनसीईआरटी के 1.2 जो एक्सरसाइज है उसमें मिलेगा, आप लोग बनाएंगे। और जो नेक्स्ट टाइप का जो प्रॉब्लम है वो सब जो है आज हम आपको बताएंगे। तो देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5, यही है साइनम फंक्शन का ही है। एफ जो डिफाइंड है रियल नंबर से रियल नंबर में है, ये हुआ इसका डोमेन और ये हुआ इसका कोडोमेन, ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसको हमें पहचानना है कि ये कौन सा फंक्शन है, वन वन है या मेनी वन है, इन टू है या ऑन टू है, इसकी जांच करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर यदि हम लोग रखें वैल्यू में वन तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, वन ही मिलेगा। इनपुट में यदि टू रखें तो आउटपुट हमें वन ही मिलेगा। इनपुट में यदि थ्री रखें तो आउटपुट में हमें वन ही मिलेगा क्योंकि सभी एक्स पॉजिटिव के लिए वाई जो हमें आ रहा है वो वन ही आ रहा है। इस तरह से कई इनपुट का हमें एक ही आउटपुट प्राप्त हो रहा है, यानी ये फंक्शन जो होगा मेनी वन फंक्शन हो जाएगा, मेनी वन हो गया तो वन वन होगा नहीं। अब चेक करते हैं ऑन टू है या इन टू है, बात करें इसके रेंज की, तो रेंज मतलब हुआ आउटपुट, आउटपुट हमें क्या क्या मिलेगा। तो आउटपुट यदि हम पॉजिटिव वैल्यू इनपुट रखते हैं तो आउटपुट हमें प्लस वन मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू एक्स का रखते हैं तो आउटपुट हमें माइनस वन मिलेगा और जीरो एक्स का वैल्यू रखते हैं तो आउटपुट हमें जीरो मिलेगा। यानी आउटपुट में हमें तीन ही वैल्यू मिलेगा, माइनस वन, जीरो और वन। तो इस तरह से इसका जो रेंज हो गया माइनस वन जीरो वन हो गया, रेंज हमने फाइंड कर लिया। अब फाइंड करनी है कोडोमेन, कोडोमेन ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ ही है। तो यहाँ पर हमें रेंज क्या आया, रेंज हमें आ गया माइनस वन, जीरो और वन। और बात करें कोडोमेन का तो कोडोमेन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइंड है, ये हुआ डोमेन, ये हुआ कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या हो गया, रियल नंबर। क्या रेंज और कोडोमेन बराबर है, तो बराबर नहीं है, रेंज सबसेट है कोडोमेन का। तो रेंज हो गया सबसेट कोडोमेन का, यानी ये फंक्शन जो हो गया इन टू फंक्शन हो गया, ऑन टू नहीं है। तो यहाँ पर ये फंक्शन मेनी वन और इन टू फंक्शन है। यदि इसी में यदि कहे कि क्या यह फंक्शन बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं जो वन वन और ऑन टू होता है, तो ये तो ना वन वन है ना ही ऑन टू है, यानी ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा, नॉट बाइजेक्टिव। ना तो ये वन वन है, ना ही ये ऑन टू है, ना ही ये बाइजेक्टिव है। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। छठा क्वेश्चन में जो है फंक्शन डिफाइंड है ए से बी में, जहाँ ए दिया हुआ है, ए जो है ये इसका डोमेन हुआ 1, 2, 3 और बी जो है इसका कोडोमेन हुआ जिसमें 4, 5, 6 है। और यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया गया है फंक्शन, ये ऑर्डर पेयर के टर्म है, एक्स वाई का ऑर्डर पेयर होता है, एक्स हो गया इनपुट और वाई हो गया आउटपुट। तो यदि इसका पिक्टोरियल व्यू देखें तो पिक्टोरियल व्यू में ये फंक्शन जो है ए से बी में डिफाइंड है, तो ए बी लिख दिए, इनपुट में जो है ए 1, 2,
थ्री है और आउटपुट में बी कोडोमेन 4, 5, 6 है। देखिए एक का जो है हमें 4 मिल रहा है, एक का कनेक्शन 4 से है, 2 का 5 से है और 3 का जो है ये 6 से है, 1, 4, 2, 5, 3, 6 ये ऑर्डर पेयर दिया हुआ। इस तरह से एक इनपुट का एक आउटपुट हमें प्राप्त हो रहा है, यानी ये जो फंक्शन है 1-1 फंक्शन है, ये फंक्शन हो गया 1-1। और बात करें कोडोमेन का, कोडोमेन मतलब हुआ ये बी, सेट बी है। और बात करें रेंज का, रेंज हो गया प्रत्येक इनपुट के लिए जो हमें आउटपुट मिल रहा है। तो प्रत्येक इनपुट के लिए हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, तो इनपुट एक के लिए आउटपुट हमें 4, इनपुट 2 के लिए 5 और इनपुट 3 के लिए 6, यानी इसका जो रेंज है वो हो गया 4, 5, 6। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेंज क्या हो गया, रेंज इसका हो गया 4, 5, 6। और बात करें कोडोमेन का, तो कोडोमेन भी वही है, सेट बी है, सेट बी कोडोमेन हुआ, ए जो हो गया वो डोमेन हो गया, तो कोडोमेन सेट बी है और बी में कौन कौन सा अवयव है, तो 4, 5, 6, यानी हम कह सकते हैं रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, यानी ये जो हो गया कैसा फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया ऑन टू, यानी ये फंक्शन 1-1 भी है और ऑन टू भी है, चूँकि एफ ऑफ एक्स इज 1-1 प्लस ऑन टू। अब यह फंक्शन 1-1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसको हम बाइजेक्टिव भी कह सकते हैं, सो एफ ऑफ एक्स इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर दो दो है, एक नंबर और दो नंबर, दोनों को देखेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एफ डिफाइंड है आर से आर में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3-4x। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग एग्जांपल में किए हुए हैं, आप लोग खुद इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। सेकेंड नंबर में फंक्शन डिफाइंड है आर से आर में, यानी डोमेन रियल नंबर और कोडोमेन भी रियल नंबर। फॉर 1-1 फंक्शन, वी पुट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, सो वी राइट 1 + x1² इज इक्वल टू 1 + x2² 1-1 कैंसिल हो जाएगा, x1² इज इक्वल टू x2² वी राइट x1² - x2² इज इक्वल टू 0, देन वी पुट फॉर्मूला a² - b², सो वी राइट x1 - x2 इंटू x1 + x2 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म हम x1 - x2 जीरो के बराबर करेंगे, x1 + x2 जीरो के बराबर करेंगे। तो यहाँ अब हम लिख सकते हैं x1 - x2 इज इक्वल टू 0 और x1 + x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2 और यहाँ से x1 इज इक्वल टू -x2। ये जो हो गया मेनी वन फंक्शन हो गया। अच्छा, ये मेनी वन है। अब हम इसका जो है रेंज फाइंड करेंगे। तो जब हम इसका रेंज फाइंड करेंगे, तो रेंज फाइंड करने के लिए y लिखेंगे, y इज इक्वल टू 1 + x² x² इज इक्वल टू y - 1, x इज इक्वल टू √y - 1। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन आ गया, अब ये कंडीशन आ गया रेडिकल साइन के टाइप का, ये जो हो गया इवेन स्क्वायर रूट में रेडिकाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी y - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये इसका रेंज हो गया, यानी 1 to +∞। तो यहाँ से लिख सकते हैं रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया y बिलोंग्स टू 1 to +∞।
और कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन जो है वो है रियल नंबर। इस तरह से रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, रेंज सबसेट होगा, रेंज प्रॉपर सबसेट कोडोमेन, यानी ये हो गया इनटू फंक्शन। तो ये मेनी वन इनटू फंक्शन है, क्या इसको बाइजेक्टिव कह सकते हैं? तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर फंक्शन जो डिफाइंड है ये सबसे अलग टाइप का क्वेश्चन है। फंक्शन डिफाइंड है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी से बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए में, यानी ये डोमेन हो गया ए क्रॉस बी, और बी क्रॉस ए जो हो गया ये इसका कोडोमेन हो गया। तो यहाँ पर ये फंक्शन जो है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में डिफाइंड है, ध्यान रखना है डोमेन ए क्रॉस बी है और कोडोमेन बी क्रॉस ए। अच्छा, यहाँ पर यदि हम देखें तो नंबर ऑफ़ ए क्रॉस बी हम लोग क्या जानते हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि नंबर ऑफ़ बी क्रॉस ए लिखे तो क्या होगा, ये भी तो नंबर ऑफ़ ए कार्डिनल नंबर ऑफ़ ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी, यानी सेम ही होगा, नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्रॉस ए, ध्यान देना है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन में जो एलिमेंट है उतना ही एलिमेंट कोडोमेन में भी है, और हम ये भी जानते हैं कि डोमेन के इच एलिमेंट का कनेक्शन जो है कोडोमेन से होना चाहिए। इस तरह से स्पष्ट है कि सभी आउटपुट जो होगा, आउटपुट में जो जो एलिमेंट होगा वो सभी एलिमेंट यहाँ पर जो है कोडोमेन में भी होगा, यानी रेंज और कोडोमेन यहाँ पर बराबर होगा। फिलहाल अभी हम लोग जो है 1-1 फंक्शन फाइंड करते हैं, उसके बाद फिर 1-2 में देखेंगे। फॉर 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन वी पुट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए वन बी वन इज इक्वल टू एफ ऑफ ए टू बी टू, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर पेयर के कंडीशन में जो है आउटपुट मिल रहा है एफ ऑफ ए बी है, एफ ऑफ ए वन बी वन इज इक्वल टू एफ ऑफ ए टू बी टू। अब आउटपुट की बात करें तो ए वन ए और बी, देखिए यहाँ पर ए बी ऑर्डर पेयर का आउटपुट जो है बी ए ऑर्डर पेयर है, तो ए वन बी वन का ऑर्डर पेयर का आउटपुट क्या हो जाएगा, बी वन ए वन इज इक्वल टू, उसी प्रकार ए टू बी टू का आउटपुट क्या हो जाएगा, ए बी का आउटपुट बी ए है, तो ए टू बी टू का आउटपुट बी टू ए टू हो जाएगा। अब ये ऑर्डर पेयर सेम है, तो कोई भी दो ऑर्डर पेयर इक्वल तभी होता है जब फर्स्ट एंट्री के इक्वल और सेकेंड एंट्री, तो वी राइट बी वन इज इक्वल टू बी टू एंड ए वन इज इक्वल टू ए टू। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए वन इज इक्वल टू ए टू बी वन इज इक्वल टू बी टू सच एज एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, वी पुट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू देन एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, ये जो है 1-1 फंक्शन हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स जो है 1-1 फंक्शन है। चलिए ये तो 1-1 फंक्शन है, अब बात करें 1-2 या इन टू का। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो डिफाइंड है एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी ए, हमें प्राप्त हो रहा है एफ ऑफ ए बी का आउटपुट बी ए प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्रॉस ए। तो यहाँ से स्पष्ट है कि डोमेन में जितना अवयव है, यहाँ पर डोमेन ए क्रॉस बी है और कोडोमेन बी क्रॉस है, उतना ही अवयव कोडोमेन भी है, और डोमेन के इच एलिमेंट के लिए आउटपुट हमें मिलना चाहिए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि डोमेन में जितना एलिमेंट है उतना आउटपुट, यानी उतना ही एलिमेंट हमें रेंज में भी प्राप्त होगा, और जितना एलिमेंट रेंज में है, चूँकि यहाँ से स्पष्ट है कि डोमेन में जितना एलिमेंट है उतना एलिमेंट रेंज में भी होगा, और डोमेन में जितना एलिमेंट है उतना एलिमेंट कोडोमेन में भी है नंबर ऑफ ए क्रॉस बी से। इस तरह से हम कह सकते हैं डोमेन का एलिमेंट इज इक्वल टू रेंज का एलिमेंट, कोडोमेन का एलिमेंट और रेंज का सभी का जो है एलिमेंट इक्वल होगा। और यहाँ से हम चूँकि ये 1-1 फंक्शन पहले से प्रूफ हो चुका है, प्रत्येक इनपुट के लिए आउटपुट है, और आउटपुट कहाँ से है, कोडोमेन से, यानी कोडोमेन और
रेंज आपस में बराबर होगा, यानी हम लिख सकते हैं रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, यानी ये हो गया ऑन टू फंक्शन। तो ये फंक्शन जो है वन वन भी है और ऑन टू भी है, इस तरह से ऐसे फंक्शन को हम लोग बायजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, यानी एक नंबर फंक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बायजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर नाइन जो डिफाइंड है कंडीशनल फंक्शन है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन प्लस वन व्हेन एन इज ऑड एंड एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन प्लस टू व्हेन एन इज इवन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। यहाँ पर इनपुट एन है और एन जो है नेचुरल नंबर है, और सभी नेचुरल नंबर दो तरह से ऑपरेट होता है, जब विषम नेचुरल नंबर हो तो एन प्लस वन बाई टू, और जब सम नेचुरल नंबर हो तो एन बाय टू ये वैल्यू देता है। यहाँ से यदि हम लिखें तो एफ ऑफ वन इज इक्वल टू क्या होगा, ऑड, ऑड के लिए वन प्लस वन बाई टू फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होगा, यानी ये हो गया टू बाई टू वन। एफ ऑफ टू क्या होगा, एफ ऑफ टू ये हो इवेन और इवेन के लिए इसमें जाएगा एन बाई टू, तो टू बाई टू, टू बाई टू इज इक्वल टू वन। उसी प्रकार थ्री फोर का ऑपरेट का यहाँ देख रहे हैं, एक से अधिक इनपुट का एक ही आउटपुट मिल रहा है, इस तरह से ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, मैनी वन फंक्शन। ये फंक्शन जो हो गया मैनी वन हो गया, मैनी वन। उसी प्रकार यदि और भी वैल्यू हम लोग ऑपरेट करते हैं, अब यहाँ पर दो टाइप का वैल्यू, एक इवेन के लिए ये और ऑड के लिए ये, दोनों वैल्यू, और दोनों वैल्यू आउटपुट ही दे रहा है, दोनों को मिलाएंगे तो इवेन और ऑड मिल करके नेचुरल नंबर हो जाएगा, यानी यहाँ पर रेंज नेचुरल नंबर हो गया और कोडोमेन तो ऑलरेडी नेचुरल नंबर है ही, यानी रेंज इक्वल टू कोडोमेन, इसलिए ये जो है ऑन टू हो जाएगा। तो ये फंक्शन जो है मैनी वन है और ऑन टू है, यदि वन वन ऑन टू रहता तो बायजेक्टिव कहते, लेकिन ये मैनी वन ऑन टू है इसलिए ये बायजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा, नॉट बायजेक्टिव। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ये पिछले वीडियो लेक्चर में भी था ये क्वेश्चन, बहुत स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम हुआ इसलिए इसको सॉल्व करते हैं। फॉर वन वन, वन वन के लिए क्या होगा, वन वन के लिए हम लोग एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, यानी एक्स वन माइनस टू अपॉन एक्स वन माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स टू माइनस टू इज इक्वल टू एक्स टू माइनस थ्री। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे एक्स वन एक्स टू, एक्स वन एक्स टू माइनस टू एक्स टू माइनस थ्री एक्स वन प्लस सिक्स इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू माइनस टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू प्लस सिक्स। यहाँ से सिक्स सिक्स कैंसिल होगा, एक्स वन एक्स टू इंटू एक्स वन एक्स टू कैंसिल, यानी हमें यहाँ पर वैल्यू जो है माइनस थ्री एक्स वन, और उधर से माइनस माइनस टू एक्स वन इधर यदि आएगा तो ये हो जाएगा प्लस टू एक्स वन इज इक्वल टू, अब यहाँ से माइनस थ्री एक्स टू, अब यहाँ से यदि माइनस टू एक्स टू इधर आएगा तो प्लस टू एक्स टू, यानी हम लिख सकते हैं माइनस एक्स वन इज इक्वल टू माइनस एक्स टू। अब माइनस माइनस कैंसिल होगा तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, यानी ये हो गया वन वन फंक्शन। तो ये फंक्शन जो है वन वन फंक्शन है। अब बात करते हैं ऑन टू या इन टू का, तो देख लिए हमने ये जो फंक्शन है वन वन है, इसमें डोमेन जो है ए है और कोडोमेन जो है बी है, यानी डोमेन हो गया आर माइनस थ्री और कोडोमेन हो गया आर माइनस वन। हम रेंज निकालते हैं, रेंज निकालने के लिए वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू इज अपॉन एक्स माइनस थ्री, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्स वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू। यहाँ से यदि एक्स कॉमन करते हैं तो वाई माइनस वन इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। तो यहाँ से ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन किस टाइप का है, फ्रैक्शनल टर्म का फंक्शन है। फ्रैक्शनल टर्म के फंक्शन के लिए डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, तो वाई माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो, वाई नॉट इक्वल टू वन। यहाँ से हमें जो रेंज प्राप्त हुआ
रेंज प्राप्त हुआ आर माइनस वन। अब बात करें कोडोमेन का, तो कोडोमेन भी वही है, कोडोमेन सेट बी, सेट बी क्या है तो आर माइनस वन, यानी यहाँ पर रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर है, यानी ऑन टू। ये वन वन फंक्शन भी है और वन टू फंक्शन भी है, तो वन वन प्लस वन टू, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव, यानी ये फंक्शन हो गया बाइजेक्टिव। तो इस तरह से हम लोग 1.2 एक्सरसाइज के सभी प्रॉब्लम को कंप्लीट कर लिए। इसी टाइप का प्रॉब्लम आप लोगों को बुक में मिलेगा, आई होप आप लोग 1.2 पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं।